हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग आए हैं स्पार सुपर मार्केट अपने होली के शॉपिंग करने के लिए। तो अब देखते हैं अंदर जाके क्या क्या मिलता है और हम क्या क्या लेते हैं और सारे आप लोगों के साथ शेयर करोगे। स्टे ट्यून वीडियो के एंड तक। देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे। जो जो मैं मेन गेट से खड़े करके मैं गई थी थोड़ा फ्रेश होने के लिए। ये है जगह, तो चलते हैं अभी अंदर जाके आपको देखते दिखाते हैं क्या क्या मैं लेती हूँ। एंटर करते हुए राइट साइड में सारे ट्रॉली रखा हुआ था, तो हमने से मैंने एक ट्रॉली उठाया और सबसे पहले मैंने नज़र पड़ी मेरे फेवरेट फ्रूट्स है, ड्रैगन फ्रूट्स। तो जैसे कि मैं बताऊँ, स्पार से ना बहुत सस्ते में मिल जाती है, 169 रुपीज़ में दो मिल जाती है। अगर मैं अपने लोकल मार्केट से लेती हूँ ना, तो मुझे 100 रुपीज़ का पर पीस मिलता है। मतलब अगर मैं दो लेती हूँ तो मुझे 200 देना पड़ता है लोकल मार्केट में। स्पार में 169 में दो मिल जाती है और इसमें काफ़ी अच्छा अच्छा ऑफर्स निकलती है। आप अगर आते हो तो आपको बहुत ईजीली बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल जाती है सामान। एंड ये मुझे और जोजो को और एंड अमित को भी बहुत पसंद है। हम लोग ये बहुत अच्छे से खाते और बहुत अच्छा लगता है मुझे। अगर आप लोगों को ड्रैगन फ्रूट्स पसंद है तो मुझे कमेंट करके बताना। ड्रैगन फ्रूट्स को ना काफ़ी देख के लेना होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा चिपचिपा वाला लोगे ना, ज़्यादा सॉफ्ट वाला लोगे तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। और ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट वाला लेना, मैं मीडियम वाला लेती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है। स्पार सुपर मार्केट काफ़ी जगह में है। हम आज आए हैं सेक्टर 28 MG रोड गुड़गांव। ये मारुति हाउसिंग कॉलोनी के पास है। अभी हम लोग कपड़े के सेक्शन में हैं। अभी जोजो को ना कुछ कपड़े चाहिए था समर्स के लिए रेगुलर यूज के, तो जोजो ने अपने पसंद का कपड़ा ले लिया है। मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी और उसने कैसे कपड़ा लिया है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सामान है जिसमें 50% ऑफ चल रहा है। यहाँ देखिये जोजो अपने होली का पूरा मूड बना रहे हैं। यहाँ पे पिचकारी वगैरह देख रहे हैं, कलर से देख रहा है। तो जोजो ने स्टार्ट कर दिया होली की शॉपिंग। जोजो ने कलर्स और पिचकारी वगैरह ले लिया है। मैं सारे घर पे जाके एक एक करके सारे सामान दिखाऊंगी। यहाँ पर सारे चीज़ वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम लोग निकले रूम स्प्रे देखने के लिए घर के लिए। मुझे रूम स्प्रे का लेना था, तो देखते हैं। अभी हमने कुछ घर का राशन भी ले लिया और रूम स्प्रे भी ले लिया और हम लोग आगे फ्रोजन आइटम्स देखने के लिए। मकिन्स जो जगह बहुत पसंद है, और हम देख रहे थे फ्रेंच फ्राइज़ कुछ ऑफ़र में है या नहीं, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज हमने लिया वो भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट में। तो गाइज, अगर यहाँ पर आप आते हो ना, तो आप वैसे कोई फेस्टिवल सीजन के टाइम में आओ, तभी कुछ ऑफ़र निकलता है। तो ऑफ़र्स वगैरह निकलते रहते हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, इनके वेबसाइट से भी जाके चेक कर सकते हो। अगर बाकी अदर डे में आओगे ना, तो आपको महंगा ही मिलेगा। मैं तो वही सजेस्ट करूँगी, आप हमेशा फेस्टिवल सीजन में आइए, तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाती है, बाय वन गेट वन की ऑफर्स भी मिल जाती है। तो हमारी शॉपिंग हो चुकी है और हमने बिलिंग करा लिया। अभी जो जो ट्रॉली लेके बाहर निकल गया है। बाय बाय, सी यू अगेन। इसे हम लोगों ने ले लिया, होली का शॉपिंग कर लिया। आप लोगों को दिखाएंगे, ज़्यादा कुछ कलर हम लोग खेलते नहीं है, तो ड्राई कलर ले लिया मैंने, जो ऑर्गेनिक कलर्स होता है ना वो ले लिया। ज़्यादा हम खेलते नहीं है तो थोड़ा थोड़ा ले लिया। जो जो ने एक पिचकारी लिया, पता नहीं शायद उसके लिए अलग से कलर लेनी पड़ेगी, जो पानी में घोल के खेलते हैं ना, तो वो वाला यहाँ नहीं मिलता, तो वहाँ लोकल मार्केट में ही मिलेगा, वहाँ ले लेंगे। ये सारे जो जो इधर से आओ जल्दी, है लेट हो रहे। बाकी ये जो जो का नखरा चल रहा है, वो बस सामान को लेके इधर उधर भाग रहा है। बाय बाय स्पार, ये बाय। हमें काफी भूख लग रहा था क्योंकि दोपहर हो चुकी है, एक बज गया है। तो अभी है, जैसे यहाँ पे स्पार है ना, स्पार से सामने निकलोगे तो यहाँ पे इडली एक्सप्रेस है, यहाँ से चलते कुछ खाना खा लेते। तो जो जो कितना भूख लगा है, सामान यहाँ पे फेंक के मैं देखो भाग के जाके बैठ गया, मेन्यू देखने लगा है। क्या क्या ले ला रहे जो जो, देख लिया क्या क्या लिया? क्या क्या? तो स्पेशल स्पेशल वेज कॉम्बो जिसमें है शेजवान नूडल्स, फ्राइड राइस, चार वेज मंचूरियंस, चार वेज मंचूरियन ड्राई और ग्रेवी, और फिर है फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज है उसमें, और मैंने मेरे लिए एक बड़ा कर दे एक प्लेट, मैं बड़ा खाऊंगी और फ्राइड राइस भी थोड़ा खाऊंगी। सब फ्राइड राइस, फ्राइड राइस तो मैं खाऊंगी, और मैं साउथ इंडियन मुझे पसंद है, मेरे लिए एक बड़ा। ठीक है, देखता हूँ। ठीक,
बड़ा होगा, मैं बोल के आती हूँ। तो उधर काउंटर पे हमें जाके ऑर्डर दे के आना पड़ेगा, मैं जाती हूँ ऑर्डर दे के आती हूँ। तो गाइज हमने ऑर्डर दे दिया है, तो इधर हम वेट कर रहे हैं। हमारे अभी खाली है, अभी दोपहर में कोई नहीं है, सब खाली है, रेस्टोरेंट पूरा खाली पड़ा है। हम दोनों बैठे हैं, देखो जो जो इधर बैठे हैं, मैं इधर बैठी हूँ, और हमारे सामान उधर रखा हुआ है। देखो बाहर बाहर ऐसे ना बाहर रख दिया है, अंदर नहीं आ सकता क्योंकि अंदर यहाँ पे थोड़ा ब्रेकर सा तो नहीं आ पाएगा। तो हम लोगों ने बोला था बाहर रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कैमरा वगैरह लगा हुआ। तो अभी हम खाना खाएँगे, लंच करेंगे अभी। टन करा ज़्यादा कुछ नहीं लिया, इतने सारे सामान लिया और क्या लेना। होली तो खेलता नहीं है, स्किन एलर्जी होता है, क्या खेलता है तू तेरे? हाँ तेरे रैशेस हो जाता है, मैं खेलती नहीं हूँ, मेरे को रैशेस हो जाती है। तो थोड़ा बहुत ऐसे ही लगाने के लिए लिया, तो ज़्यादा ज़्यादा मत बन तू। जो गया अभी हमारे फ्रेंच फ्राइज पहले आ गया, जो जो गया है लेने हैं, बस उसको बर्दाश्त नहीं किया। पानी का बॉटल लाया है ना तू, वहाँ से ले आ पानी का बॉटल। ये हमारे आ गया फ्रेंच फ्राइज, अब हम इसको थोड़ा चटपटा बनाएंगे, चपटा बनाएंगे। ये मैं तो स्टार्ट भी कर दिया, तो जो टूट पड़ा भूख लगी है बहुत ही कुछ भी मिल जाए। मैं भी खा लेता हूँ। अरे बड़ा के प्लेट आ गया है, ये मेदू बड़ा है, अब इसको बीच में से बड़ा जो सब सांभर है, चटनी है, ये मिर्ची और टमाटर चटनी, और ये नारियल की चटनी, और इस पे वो है शायद ये चटनी कौन सा है, दाल का होगा शायद, दाल और मिर्ची वगैरह डाल के टमाटर डाल के बनाते हैं, ये चटनी है, चटनी बहुत अच्छा लगता है, और वो नारियल चटनी है। ये हमारे बड़े का प्लेट है, साथ में नमक। स्टार्ट करते हैं अभी बड़ा, लेकिन बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट हो रखा है। अच्छा टेस्टी है, बहुत अच्छा है, ज़्यादा खट्टा नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है सांभर। सांभर वैसे पानी पानी सा होता है जो बोल रहा है, बट ज़्यादा पानी पानी से अच्छा लगता है, वैसे सांभर थोड़ी गाढ़ा अच्छा लगता है, और बाकी ये है ना जो वाइट चटनी, नारियल का चटनी, ये वाला बहुत ही मज़ा आ गया। ये आ गया जोजो का शेजवान नूडल्स, शेजवान नूडल्स है ना ये, और ये है वेज मंचूरियन, मंचूरियन शेजवान नूडल्स है। मैं ज़्यादा डालना, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं जोजो के लिए ज़्यादा डालूँगी क्योंकि मैं फ्राइड राइस खाऊँगी, मैं नूडल्स मुझे वैसे पसंद नहीं है, अपने लिए बस थोड़ा सा लिया मैंने। ये है जोजो का, ये है, और बाकी ये मंचूरियन है, मंचूरियन भी दो दो को मैं दे दूँ गरम में बेटा, दो पीस पहले दे दो, आपका मेरा दो आपका दो, राइस भी आ रहा है ना, राइस के साथ भी खाएंगे। ओ हाँ रहने दो, तो चाउमिन के साथ नूडल्स के साथ एक ही खाएंगे। मुझे चिली सॉस चाहिए क्या, मेरे को थोड़ा सा चाहिए, तेरे को चाहिए? स्पाइसी होता है? कोई नहीं, सॉस डालने के बाद तो और अच्छा लग रहा है, जिसमें बहुत टेस्टी लग रहा है, पर खाने के बाद मेरा चलेगा प्रेशर। बाकी जो दो चीज़ सब फ्रेंच फ्राइज तो जनरल आपको पता है, एक ही जैसा टेस्ट होता है, बट बड़ा बहुत टेस्टी था, उसके साथ वो सांभर चटनी वो कमाल की थी। बाकी ये देखते हैं, अभी मैंने खाया है, गर्म है बहुत ज़्यादा, बहुत
नॉट बैड, जूसी है, जूसी है ना? वो आपने वो डाला ना मंचूरियन में। मेरे को नहीं लग रहा है फ्राइड राइस खाया जाएगा, पेट तो भर चुका है। पैक कर देते इसको घर के लिए, बिल्कुल नहीं खाया जाएगा। चाउमिन बड़ा सा पेट भर गया है। तो अगर नूडल्स ख़त्म नहीं हो रहे अब राइस तो नहीं खा पाएंगे, राइस पैक कर लेंगे ना। तो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया, अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। अभी हूँ गाड़ी लेके मेन गेट के पास, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, तू यहीं पे लेके खड़े रहो। ये देखो एंट्रेंस में, यहाँ पे एंट्रेंस पे खड़े रहो, मैं आ रही हूँ गाड़ी लेके। ये हमें मॉल की पार्किंग में नहीं लगाया था, तो वहाँ पे हमारी जहाँ से हम पहले यहाँ रहते थे, तो नॉन बंदा था उनके घर के सामने गाड़ी हमने पार्क किया है। अभी मैं जा रही हूँ गाड़ी लेके, पहले आती हूँ, धूप हो रहा है बहुत तेज। जो जो यहीं पे गेट पे खड़े रहेगा मैं जाके लेके आती हूँ गाड़ी, फिर सामान डालेंगे। तो गाइस अभी हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो सामान डालने का क्लिप हम ले नहीं पाए क्योंकि बहुत ट्रैफिक था और गाड़ियों की बहुत साउंड थी, और आज मतलब समझ लो अजीब सा ही माहौल था। तो गाड़ी को वैसे मेन रोड पे खड़े रख करके सामान लेके आना डालना उसमें टाइम लग रहा था, तो हम क्लिप नहीं ले पाए। तो अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, तो घर जाके आपको दिखा दे कि क्या क्या सामान लिया हमने। मम्मा यहाँ पे प्लांट्स ला रही, यार ये क्या आ गया? मम्मा यहाँ पे प्लांट्स ले, ये फर्नीचर होता है प्लांट्स का, यहाँ पे बहुत बड़ा शॉप था, ठीक है। ये क्या हुआ, वो सब बंद करके इन्होंने फर्नीचर का कर दिया। आगे एक प्लांट शॉप है, वहाँ पे देखते कोई अच्छा अच्छा प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स, ठीक है। ओके ले देखो गाइस, वो रही मम्मा, वो वहाँ देखो ये वाले पेड़ देखो, ये देखो जो जो ये जंगल में बैठ गया। क्या है प्लांट बेच रहा है? तो गाइज मैंने मुझे ना जेड प्लांट लेना था, वो नहीं हुई है इनके पास, ख़त्म हो गया है सारे। नेक्स्ट टाइम आऊँगी, अभी बस आपको टूर करा रही हूँ यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं सारे। ये है जैसे गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो है ना, उसके पास है बिल्कुल। तो मुझे ना कंपोस्ट लेना था, यहाँ पे है सारे कंपोस्ट है, मैं सोच रही हूँ ले लेती हूँ। हमारे कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया, लेकिन जो मैन्योर होता है ना, जैसे का गोबर और मैन्योर, वो सब वो खाद लिया है, खाद कंपोस्ट लिया है, और क्या लिया वो इंडोर प्लांट्स के लिए वो लिया है, क्या कहते हैं गमला। तो गाइस हम लोग घर पहुंच चुके हैं, जो जो अभी कपड़ा चेंज करा था बाहर आ गया था, सबने देख लिया जो जो सेम सेम। तो मैं अभी कपड़ा चेंज कर चुकी हूँ, अभी सामान थोड़ा निकालना है, जो जो को चाहिए वही नया ड्रेस जो वो लेके आया है डेली यूजेस के लिए वो आया है वही पहनेगा। तो कपड़ा ऐसे नहीं पहना हुआ, ऐसे बैठा हुआ है, तो अभी उसको निकाल के दूंगी वो पहनेगा। मैं अभी आपको सारे सामान यहीं पे ला के रख दिया है, देखिए सारे इधर ही है, यहीं पर रख दिया ऐसे ला के। तो अभी मैं आपको उसको पहले कपड़ा दे देती हूँ, कपड़ा वो चेंज कर ले, फिर आपको मैं एक एक करके दिखाऊंगी क्या क्या लाए। ये सब इतने एक बैग में से कुछ कुछ निकाल दिया है, ये है डब्बा में लाई हूँ कुछ, फिर ये दाल और नमक वगैरह के डब्बा ना ख़राब हो रहा था, मैं सोच रही थी होली में सारे नया डब्बा ही यूज़ करूँगी, सब ये डब्बा सब पुराने डब्बा जो है ना सब फेंक दूँगी। मैं ये भी लाई हूँ बड़ा और छोटे साइज़ का भी लेके आई हूँ, और ये है जो जो ने ना होली का कलर्स लेके आया है। ये है मैंने जैसे बोला था ना हम ज़्यादा खेलते नहीं है, जो जो दो बॉटल लिक्विड वाला लाया था वो लेके आया, ये है। और मैं अपनी ये बॉडी लोशन लेके आई हूँ, ये सारे सामान हैं लेके आए हैं हम लोग माँ बेटे जी। होली के लिए जो ने ना ये छोटे छोटे दो बॉटल लिया जो पानी में डाल के बनाएंगे, जिसके हम कलर बनाएंगे, ठीक है, पानी में मिला के इसमें बाल्टी भर के पानी में मिला के इसको कलर बनाएंगे। ये लिक्विड वाला लिया है, और ये हमने गुलाल लिया है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला हम ज़्यादा खेलते नहीं हैं, तो हम थोड़ा थोड़े कलर्स लिए हैं, जैसे हमारे भगवान को भी हम लगाएंगे और हम सब लगाएंगे। और बाकी ये सब निकालो, ये कान्हों के लिए, ये कान्हों के लिए हमारे घर के
भगवान जी हैं उनके लिए मिठाई लाए हैं। ये फ्रिज में रख दो, ये सारे फ्रोजन आइटम मैंने कुछ फ्रिज में रखवा दिया। और कुछ सारे निकाल लो ना, पहले सारे सामान निकाल लो। जहाँ निकालते हो दिखाओ। हाँ निकालो, दे ना इधर दे। ये देखो ये कपड़ा लेके आया था, पहन लिया फटाफट। नजर मत लगाना। ये है, हम गुजिया लेके आए, होली मनाएंगे। हाँ ला ला ला, और लाओ। ये मम्मा के कपड़े, ये भी है मैंने लिया, ये तीनों कॉम्बो था, ये काफी सस्ते में मिला। ये एक फिनाइल है और ये विम लिक्विड जेल है जो बर्तन साफ करने वाला, और ये है टॉयलेट क्लीनर। ये तीनों कॉम्बो था, 110 रुपीज़ में मिला ये तीनों चीज़ें। बाकी ये सारे मिठाई वगैरह सब कुछ धीरे धीरे मत फेंका करो, धीरे धीरे ये ऐसे निकाल दे, जो ऐसे निकाल दे एक साथ। देखो मैजिक, देखो गाइस, देखो गाइस मैजिक। तौलिया नहीं, मेरे है ये मेरे समर वेयर में मैं कुछ कपड़े लेके आई हूँ। ये है magic. दो जोड़ी लाई हूँ, ज्यादा नहीं, ये दो जोड़ी मैं समर में रेगुलर यूज के लिए लाई हूँ। इसको मैं साइड में रख देती हूँ। करो मैजिक, करो। ये है सारे कपड़े जो का, ये है, ये भी मेरा ये रह गया था। जो का है सारे रेगुलर यूज के लिए है। और बाकी चलो चलो, हाँ ये है सारे सामान हम लेके आए हैं। ये देखो ड्रैगन फ्रूट्स, ये मैं लाई थी हूँ। ये बाकी जो इसको ले लो, फ्रीजर में डाल दो, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। जब मेरी शर्ट और पैंट दिखाता हूँ, ये देखो मेरी पैंट। इतने सारे है शॉपिंग, बाकी उसमें है ना वो जो का यूनिफॉर्म, और ये हमने लिया है वो रख दे स्टोन से सारे प्लांट में सजाने के लिए, रख दे उसको सारे, रख दे सारे स्टोन क्रिस्टल्स उसी में रखा। अच्छा, उसको मत निकाल, कितना बड़ा पिचकारी लिया, दिखाओ कोई काम का आएगा वो। देखो ये है मास्क, ये इसके पीछे ये वाला आई थिंक बैग है, और ये जो वायर है ना ये इस बैग में इसको कहीं पे तो होल होगा उस पर लगा के। चल तू जब खेलेगा तभी दिखा देना पिचकारी। और बाकी इससे गुलाल हम लेते हैं। जो ये अपना पिचकारी ओपन कर रहा है, देखा ये मास्क पहनने के लिए है और वो पीछे टांगने के लिए। पीछे तो सारे लिक्विड ना बना के भरेगा, तो फिर वो जो पाइप दिया है उसको कनेक्ट करेगा। ठीक है कनेक्ट करे, अरे भाई पिचकारी दिखा, पिचकारी निकाल ले। जो ने अभी वो सो है ना पीछे जो है ये दिया ना तार सा, पीछे पाइप है ना, वो पाइप को पीछे से बैग के नीचे एक दिया है ऐसे प्लास्टिक सा, नीचे बाहर निकला है ये ना, वो ये पीछे 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 है उसमें कनेक्ट करेंगे। हाँ ये पाइप को उस पर कनेक्ट करेंगे तभी जाके, और उस पर कलर भरेंगे तभी जाके तेरे आएगा सारे कलर्स वगैरह। कितना टेक्निक है भाई आजकल की दुनिया, मतलब जेन वाई से तो 400,000 गुना बहुत खतरनाक हो चुकी है आजकल की दुनिया। म्यूसली लिया, ये हमने म्यूसली लिया, तो ये देखो ये बहुत टेस्टी है, बहुत मल्टीग्रेन्स का है, बहुत अच्छा लगता है जो जो, और मुझे मेरे तीनों को ही पसंद है तो ये लिया। काफ़ी अच्छा डिस्काउंट में मिल रहा था, हमने ले लिया। देखो सबका रेट अलग अलग टाइम में अलग अलग रेट होता है, मैं सब किसी का रेट नहीं बताना चाहूँगी, एक का रेट मैंने बता दिया। फिर सोचा और बाकी धीरे धीरे कर जो हमारे एक एक करके सामान लेके जा रहे हैं। ये चीज़ ना मुझे ये लेना था, ओट्स वाली मिलेट, मतलब मैगी लेना था मुझे, क्योंकि ये ना जो है मैगी उसको बहुत पसंद है, और मैगी पता है ना मैदा वाली होती है, खाना बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मुझे ये ओट्स वाली मैगी बहुत पसंद है। बहुत दिन से मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि हमारे नॉर्मल मार्केट में है ना जो ये ग्रॉसरी मार्केट वगैरह है, देखो कहाँ क्या कर रहा है, वहाँ इजीली नहीं मिलता है, तो ये मैंने ये ले लिया चार पैकेट। और एक पैकेट कहाँ है, लिया चार पैकेट मैंने लिया है ये ओट्स वाली मैगी। नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो और चार पैकेट ले लूँगी, इसका महीने का ये हो जाएगा। ठीक है,
आटा वाली है तो ओट्स वाली खाना चाहिए, बट हमारे जो नॉर्मल वाली होता है ना वो मैदा वाली वो नुकसान करता है, उसको नहीं खाना ये चाहिए। चार पैकेट में ले दे अजोले गाइस। और एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है ये है रैगी चिप्स। रैगी चिप्स जो होता है ना ये कहीं नहीं मिलता, मतलब बहुत कम जगह मिलता है। सफोला का है ये चिप्स, मुझे बहुत पसंद है, हम आपको दिखाती हूँ, आपको भी आप भी ट्राई करना, बहुत टेस्टी होता है। सफोला का मंचीज रैगी चिप्स ये वाला आप ज़रूर ट्राई करना है। टकाटक टमाटो का है। और दूसरा जो हमने लिया है ये है मसाला ट्विस्ट, सच में ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा अच्छा लगता है। मुझे तो दाल चावल और ये चिप्स बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। देखिए काफ़ी सारे सामान है, एक एक करके सारे ग्रॉसरी सामान है, आपको एक एक करके दिखाऊँ ना बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जो जो धीरे धीरे सेट कर दिया है और मैं भी उसको हेल्प कर रही हूँ, दोनों एक साथ रख रहे हैं तो सारे सामान सेट कर लेंगे। अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, काफ़ी थक चुके हैं, सुबह के 8 बजे से हम निकले हैं तो अभी 4 बज रहे हैं हम पहुँचे, जो जो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया है ना, तो दोनों मिलके कर लेंगे, तो फिर हम थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, सोएंगे, और फिर मुझे थोड़ा ऑफिस का काम भी करना है, जो जो तो सोएगा रेस्ट करेगा, मैं थोड़ा ऑफिस का काम करूँगी। तो आपको हमारे होली वाली ब्लॉग कैसे लगी? तो जरूर नो, उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आगे तक लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। तो आज के लिए मैं ब्लॉग यही एंड करती हूँ, बाय। और अगर आपको मेरे से फ्रेंडशिप करनी है तो जो मम्मा ने बोला वो सारी चीजें करनी है। ओके ओके डन, बाय। हैप्पी होली इन एडवांस। हैप्पी होली, बाय बाय।